तो और काफी दिनों से ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे यार मेरे, तो गिर भी गई थी ये गाड़ी यार मेरी। तो गाइस तेरी अपनी NS125 भाई, हेलमेट वेलमेट लगाए करो, ऐसे राइडिंग करनी है ना, देख रहे हो इसकी आराम से निकाल सकता है सीधी ये चेक करो भाई, खतरनाक यार, खतरनाक। अरे क्योंकि अपना चैनल मोनोटाइज हो गया, मैंने स्टोरी डाली थी अगर तो रैप करनी है मुझे, कलर बताओ कौन से कलर में करूं, मल्टी करनी है इस बारे ना, मतलब तीन दो कॉम्बी। तो हेलो गाइस वेलकम बैक हो गया भाई आपसे का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फिलहाल यार गाने बज रहे हैं, आपको एक हैवी राइडर से मिलाता हूँ मैं। ये जा रहा है देखो हमारा भाई, ये चेक करो, देख रहे हो मतलब कान में रोड़े हुए उनने पूरे, ये चेक करो भाई, मैं तो आराम से चल रहा हूँ, वो देखो भाई अलग लेवल पे खींची हुई है गाड़ी इनने, ये देखो भाई हेलमेट वेलमेट लगाए करो, ऐसे राइडिंग करनी है ना, देख रहे हो ये चेक करो, कटिंग देखना अब इसकी, आराम से निकाल सकता है सीधी ये चेक करो भाई क्या हो रहा है इसे, बात करते हैं ऐसे लोंडो थोड़ी सी, आओ आओ, खतरनाक यार, खतरनाक। अरे 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 हैवी ड्राइवर है गाइस ये देखो, मतलब ओ ओ ओ ओ मैं करता नहीं हूँ हाइपर राइडिंग, मैं इसके पीछे पीछे लगा रही है गाड़ी, मैं ऐसे ही निकला था घर से, ये देखो भाई अब इससे ओ माँ की कसम खतरनाक भाई। तो लोंडो फिलहाल आज का सीन कुछ ऐसा है, मेरे को पता नहीं था कुछ ऐसा मिल सकता है रास्ते के अंदर, तो बाकी कमेंट करना कौन था वो। तो फिलहाल गाड़ी पे करना है रैप, अपनी गाड़ी पे करना है वो तो सीधी सी बात है। तो और काफ़ी दिनों से ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे यार मेरे, तो गाइस सभी को सॉरी है जो इंतज़ार करता है मतलब वीडियो के लिए, मेरी छोटी सी वीडियो के लिए, और जो भी अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं भाई, क्योंकि अपना चैनल मोनोटाइज हो गया, मैंने स्टोरी डाली थी अगर देखी होगी तो आप सभी ने, तो उसके लिए भाई सबको थैंक यू है बहुत एवरीवन, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, रैप करनी है गाड़ी पे, तो कमेंट करके बताओ कौन से कलर की करूँ, लेकिन मेरा प्लान नहीं था कुछ ऐसा ब्लॉग बनाने का ना कि पूछूँ कौन से कलर की करनी चाहिए, या गाड़ी का ना सब देखो ढीला ढीला हो समझ रहे हो हो रहा है यार, ये भी ना मतलब गिर भी गई थी ये गाड़ी ना, तो थोड़ी ख़राब हो रही है, मेरे से नहीं गिरी थी लेकिन गिरी थी ये। ये ना बहुत ढीला हो गया, मैं कसम से कहीं रिपेयर इनकी दुकान पे रोकता हूँ, इसे करवाता हूँ इसका जुगाड़ ना करा, दोनों ही कान ढीले हो गए यार ये तो। एल की अब ये पाँच नंबर की, एल की पाँच नंबर की गाड़ी है या दूसरी है क्या, गिरवी वाली कौन सी है, ये तो मेरी है ना ना रखी हुई है वो, तो गाइस लग गया ये कस दिए तुम्हारे भाई ने अब दोनों, एक तो मतलब थोड़ा बहुत ढीला ही रह गया ये वाला ना, पता नहीं उसमें चाबी नहीं बैठ, लेकिन ये जो हिला था ज़्यादा वो तुम्हारे भाई ने एकदम भयंकर कस दिया ये वाला। तो गाइस तेरी अपनी NS125 जिनको पता है और जिनको नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ, तो फिलहाल इस पर अभी रैप करनी है मुझे यार, और गिर भी गई थी ये गाड़ी यार मेरे दोस्त से ना, तो ये थोड़ा आवाज़ भी कर रही है देखो, पूरा ये टूट गया इसका, ये घिस गया इसका इधर से, ठीक है। तो वो कोई नहीं, चलो चिल मारो ठीक करवा लूँगा। तो रैप करनी है मुझे, कलर बताओ कौन से कलर में करूँ, मल्टी करनी है इस बारे ना, मतलब तीन दो कॉम्बिनेशन में कलर के, दो तीन कलर के कॉम्बिनेशन में करनी है, तो कमेंट करके बताना कौन से कलर की करूँ,
पूरी करनी है। मैं सोचा हूँ थोड़ा ना BMW वाला करूँ या थोड़ा मल्टी कलर में रंग बिरंगा टाइप में करूँ इसे, ना अलग सी बनाऊँ थोड़ी, उस पर चीक रिंग भी करवानी है थोड़ी। और बाकी आपको एग्जॉस्ट साउंड तो पता है गाइस कितना सही है अपनी गाड़ी का, शौक है भाई ये, कोई फिटिंग नहीं करवा रही, कंपनी से आता है वो ये। और बाकी गंदी हो रही है काफ़ी, धुलवाऊँगा, तो यही था बस। चल तो गाइस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, पीस आउट, लव यू ऑल।